हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज का वीडियो है बुक्स के बारे में। एंड फॉर मी रीडिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ प्लेजर, क्योंकि जब मैं रीड करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं सदियों के जो महान लोग जिनके साथ में बैठ के बात नहीं कर सकता, चाहे वो काफ़ी पास्ट के लोग हों, चाहे वो करेंट टाइम में भी जो मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं, या फिर जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो भी अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड के साथ, उनके साथ अगर मैं मिल नहीं पा रहा हूँ तो मैं उनकी किताबें ज़रूर पढ़ सकता हूँ और मैं गेन कर सकता हूँ उनके एक्सपीरियंसेस और अपनी नॉलेज बढ़ा सकता हूँ कि कैसे क्या चीज़ करनी चाहिए। तो रीडिंग की जो हैबिट है वो मेरे को लग गई थी कॉलेज में, जब मैं 2017-18 के बीच में, एंड उस समय रीडिंग कुछ इस तरीके से था कि मेरे को बस एक्सप्लोर करना था, मुझे जानना था कि चीज़ें किस तरीके की होती हैं। मैं खुद को मानता था कि मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करना है, चाहे वो मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, एवरीथिंग। मैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था और मुझको लगता था कि भाई ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा हार्म करेगी, क्योंकि गुस्सा थोड़ा बिना बात के आ जाता है। तो इस गुस्से को मैं कहाँ चैनलाइज करूँ, ऐसा मैं क्या करूँ कि मेरे को पता लगे कि कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, मुझे क्या सही करना चाहिए। तो किसी ने बोला कि भाई तुम बुक्स पढ़ो, तो मैं बुक्स में आ गया और बुक्स पढ़ने का ऐसा कीड़ा लगा कि ये जो सारी बुक्स आपके सामने रखी हुई है ना, टोटली 65 बुक्स हैं मैं पढ़ चुका हूँ, और एक दो बुक्स तो मैंने अपने फ्रेंड्स को दे रखी है, और द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक एक वो बुक है, और एक माई गीता है, वो मेरे को अभी मिल नहीं रही है, वो कहाँ है। तो कुछ बुक्स मेरे दोस्तों के पास भी है। तो ज़्यादा लंबा नहीं करता इस इंट्रो को, आपको आज अपने सारी बुक्स दिखाऊंगा, किस किस कैटेगरी की बुक्स मेरे पास है और इनको आपको रीड करना चाहिए तो क्यों रीड करना चाहिए, और इनको करेक्ट टाइम कब है आपको रीड करना है, क्योंकि हर बुक ऐसा नहीं होता कि आपको आज बैठ के पढ़ लो, क्योंकि कोई होती है आपके लाइफ स्टेज के हिसाब से आपको हिट करती है डिफरेंटली, और जो उस बुक की अंडरस्टैंडिंग होगी एक स्पेसिफिक एज में आपको ज़्यादा हिट करेगी उसकी नॉलेज। तो मैं आज आपको वो सारी बताऊंगा बातें, तो इस वीडियो में आप पेशेंटली बने रहिए और इस खास वीडियो को आप एंजॉय कीजिए। अब देखिए, ये सारी बुक्स किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग नहीं करती हैं, काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज है इसमें, जैसे कि फिक्शन है, नॉन फिक्शन, उसमें सेल्फ हेल्प आ जाती है, बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शुरू करता हूँ मैं आपको, और सबसे पहली किताब दिखाता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में पढ़ी थी, और जो सबसे पहली किताब मैंने अपनी लाइफ में पढ़ी थी वो थी रिच डैड पुअर डैड। अब ये मेरे को एक फ्रेंड ने सजेस्ट करी थी, और रिच डैड पुअर डैड में ये बताया था कि भाई कोई मिडिल क्लास इंसान या कोई गरीब इंसान वो गरीब क्यों है, और जो अमीर इंसान है वो अमीर क्यों है, मतलब ऐसा क्या है अमीर लोगों की हरकतें या उनके थॉट्स या उनके एक्शंस कि वो रिच होते जा रहे हैं, एंड एक मिडिल क्लास इंसान क्यों अपनी सोच नीची रख के ही जी रहा है, और उस सोच के कारण वो आगे कभी बढ़ नहीं पा रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप कभी मॉल में घूम रहे होंगे, आप कोई देखोगे बैग रखा हुआ है सुंदर सा, आपका मन आ गया, तो आप देखोगे कि उसकी प्राइस कितनी है। तो अब एक गरीब इंसान या फिर एक मिडिल क्लास इंसान, और इसको वैसे मत लेना आप, एक मिडिल क्लास इंसान ऐसे बोलेगा यार आई कांट अफोर्ड इट, ठीक है, वो एक स्टेटमेंट दे देगा और यूनिवर्स उसके हिसाब से ऐड करेगा, क्योंकि उसका दिमाग में फिर एक्शन वही चलेगा कि आई कांट अफोर्ड इट, तो ही विल नॉट इवन ट्राई। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप ऐसे इंसान हो जो उस बैग को देख के ये बोलते हो कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, तो आपने अपने माइंड को एक क्वेश्चन कर दिया है, और अब आपका माइंड सॉल्यूशंस ढूंढेगा कि आप ऐसा क्या एक्शन करो कि आप उस बैग को अफोर्ड कर पाओ। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि भाई किस तरीके से आप अपनी यू नो मटेरियल चीज़ों को भी अचीव कर सकते हो बिना अपने आप को हार्म करे, बिना अपने बजट को हार्म करे, और किस तरीके से आप अपनी सोच बड़ी रख सकते हो और ज़िंदगी में पैसा बना सकते हो। तो ये बुक मैं हाईली रिकमेंड करूँगा और काफ़ी फेमस बुक है, सभी को ये पढ़नी चाहिए। अब अगली मैं आपको चार बुक्स दिखाऊंगा जो फिक्शन है और मेरी वन ऑफ द बेस्ट रीड्स रही हैं, और वो है फ्रॉम द राइटर सिडनी शेल्डन, ठीक है, और ये किताबें आपको बताता हूँ, रैंक करके बताऊंगा आपको कौन सी कब पढ़नी चाहिए। देखो नंबर वन हमेशा रहेगी मेरे लिए सिडनी शेल्डन की टेल मी योर ड्रीम्स, ठीक है। अब टेल मी योर ड्रीम्स एकदम, अगर मैं जेंजी की भाषा का प्रयोग करना चाहूँ तो मैं बोलूंगा कि एकदम माइंड फक रीड है, मतलब आप इसको जब पढ़ोगे यू विल बी ब्लोन अवे बाय दिस कंटेंट, और आप बोलोगे भाई कि क्या पढ़ लिया। अगर आपको फिक्शन में इंटरेस्ट है और अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी है तो मेरे हिसाब से आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको ये बिल्कुल पढ़नी चाहिए, बिकॉज बहुत साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, बेसिकली इसका जॉनर है साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सारी की सारी वही है। बाकी एक आप ये रीड कर सकते हो द स्टार्स शाइन डाउन, तो आप इसमें बता सकते हो उसके टाइटल से ही कि भाई इसमें क्या होगा, इसमें ये होता है कि किसी इंसान के जब सितारे बुलंद होते हैं वो शाइन डाउन भी कैसे करते हैं, ठीक है, इतना समझ गए हो। मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता क्योंकि मैं बहुत फिर फ्लो में आ गया ना, आपको ब्लूपर्स दे दूंगा, और मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप रीड करो, क्योंकि रीडिंग ऐसी हैबिट है ना
आपको हेल्प ही करेगी। अब मान लो आपका इंटरव्यू आ रहा है, आप इंग्लिश में वीक हो तो आप ये सब पढ़ोगे, आपको वर्ड्स अच्छे मिलेंगे, आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी। कई लोग आईलेट्स का एग्जाम देते हैं लेकिन वहाँ पर जो है जब बोलने की बारी आती है वहाँ पर थोड़ा मात खा जाते हैं, तो इन सब चीज़ों में भी आपको हेल्प करेंगी किताबें। तीसरी है भाई रेज ऑफ एंजल्स, अगेन द सेम राइटर सिडनी शेल्डन, ये आप पढ़ सकते हो। और ये है द फीनिक्स, इसको भी आप पढ़ सकते हो। चारों बेहद ही उम्दा किताबें हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पढ़नी होगी भाई टेल मी योर ड्रीम्स, ठीक है, मज़ा आएगा आपको पढ़ के। ओके, अब ये हो गया। अब एक किताब मैंने पढ़ी थी अलेक्जेंडर के ऊपर, ये देख सकते हो आप, एकदम बेसिक किताब है। और ये ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने सारी किताबें एक बारी में खरीदी हैं, ये मेरी बरसों की कमाई है, मेरी पूंजी है मेरी किताबें, तो इनमें मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है क्योंकि मेरे मूड के हिसाब से मैं इन्वेस्ट करता रहा कि आज मेरे को ये पढ़ने का मन है तो मैं वो मंगाऊंगा, ठीक है। अलेक्जेंडर के ऊपर मैंने क्यों किताब पढ़ी, बिकॉज मेरे को क्यूरियोसिटी थी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ग्रेट क्यों है। मतलब बोलते हैं ना स्कूल से पढ़ते आए अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, बट अलेक्जेंडर वॉज समवन हु ऑलवेज अपील टू मी। फिर मैंने टीवी पे भी एक शो देखा था तो मुझे था कि यार थोड़ा फैक्ट्स ना थोड़े तोड़ मरोड़ के ना हो, तो मैं किताब पढ़ना चाहता उसके ऊपर, तो मैंने अलेक्जेंडर द ग्रेट की किताब पढ़ी। बहुत अच्छी रीड है, आप इसको बिल्कुल पढ़ सकते हो और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा, जानने को मिलेगा कि भाई हिस्ट्री में एक ऐसा बंदा था जिसने इतनी कम उम्र में इतना कुछ अचीव किया था। द नेक्स्ट सेट ऑफ बुक्स विच आई वॉन्ट टू टेल यू आर दीज, सबसे पहला यू आर नॉट सो स्मार्ट। अब देखिए ये भी सेल्फ हेल्प बुक है और मेरे पास ज़्यादातर बुक्स जो हैं सेल्फ हेल्प ही हैं। अब यू आर नॉट सो स्मार्ट, इट विल बेसिकली ग्राउंड यू, इट विल टेल यू दैट यू नो योर शिट डज स्टिंक, ठीक है। कई लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई माई शिट डजेंट स्टिंक, लेकिन ये बताती है आपको कि इट डज। अब होता क्या है कि आप लोग को लगता है कि भाई अपन तो यू नो सब कुछ है, अपन मतलब अपन बहुत स्मार्ट है, अपन को सब पता है ये सब, और आप लोग जब दूसरे लोगों को देख के अपनी ओपिनियंस बनाते हो, कुछ ना कुछ उन पर कमेंट करते हो, उन सब चीज़ों के बारे में कि भाई ये सब करना बंद करो, तुम खुद को तो देखो पहले। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फन रीड है, आपको बहुत ग्राउंड करेगी और आपको ये पढ़नी पढ़नी चाहिए। इसके जो ऑथर हैं वो हैं भाई डेविड मैकरेनी, और आप इसको बिल्कुल कर सकते हो ऑर्डर। एंड आई विल सजेस्ट यू कि एवरी मंथ आप एक या दो बुक पढ़ो, और अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हो, सेल भी होती है कभी कभी, आपको अच्छी डील्स मिल जाती हैं। तो बुक्स को आप कलेक्ट कीजिए, उनको पढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए, अपना परसोना अच्छा कीजिए। आपकी नॉलेज होगी तो आपको अलग ही एक पावर अपने अंदर फील होगी, मतलब बोलते हैं ना नॉलेज इज़ पावर, व्हेन यू हैव द राइट नॉलेज एंड यू नो थिंग्स यू नो बेटर देन एवरीवन, देन यू नो कि भाई क्या चल रहा है, और आप बहुत ही अंदर शांत और काम रहते हो। अगली किताब है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, अब ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट है क्योंकि री इनकारनेशन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफ़ी कुछ इसमें बताया गया है, ठीक है। अब देखिए इंडिया में हम मानते हैं री इनकारनेशन को, लेकिन इसमें दिखाया हुआ है बताया हुआ है और रियल लाइफ अकाउंट है ये। एक साइकाइट्रिस्ट हैं डॉक्टर ब्रायन वेइस, और इनकी ये बुक है इस बारे में कि इन्होंने अपनी एक पेशेंट के साथ एक थेरेपी अपनाई थी जिसमें उस पेशेंट की पास्ट लाइफ की हिस्ट्री निकल के आ गई थी, और उससे डायग्नोस करके इन्होंने उसको हेल्प किया हील करने में अपने डिसऑर्डर से। तो ये बुक आपको लिटरली बहुत कुछ बताएगी आपके कर्मा के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में, रीइंकार्नेशन क्यों होता है, आप इस दुनिया में क्यों आए हो, हम बार बार क्यों जन्म ले रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड, यू मस्ट रीड इट। और एक है Men are from Mars and women are from Venus. Now, these are basically for couples या फिर for those men or women who want to understand the opposite gender की भाई अगला बंदा किस तरीके से सोचता है। कई बार क्या होता है कि हम समझते नहीं हैं how the opposite sex thinks, है ना, कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, कोई इतना complex है वो क्यों है, कोई इतना simple है वो क्यों है। तो basically men और women have different attributes और उसके बारे में इसमें बताया गया है। और क्योंकि देखो भाई दोनों जेंडर अलग हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, इफ़ अ मेल थिंक्स कि भाई अ वुमन शुड थिंक लाइक मी और एक्ट लाइक मी दैट इज़ रॉन्ग, एंड इफ़ अ वुमन थिंक्स दैट अ मैन शुड एक्ट लाइक मी और थिंक लाइक मी और जस्ट बी लाइक मी, वो भी रॉन्ग है। तो इसमें बताया गया है कि आप अपोजिट जेंडर को किस तरीके से समझ सकते हो, एक दूसरे को कैसे समझ सकते हो, एंड दिस विल हेल्प यू इन अचीविंग अ सेंस ऑफ काम एंड यू नो कंपोजर इन योर रिलेशनशिप, कि भाई आपको पता रहेगा कि किस तरीके से आपने डील करना है, कोई चीज़ कोई इंसान कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, इन सब के बारे में। अब देखिए मेरे पास बुक्स हैं और बहुत सारी हैं, आप जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच है, ये सारी बुक हैं, मतलब वो तो आपको पता ही है कि अच्छी अच्छी किताबें हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसका पार्ट टू बनाऊँगा आपके लिए, और उसमें आपको कुछ और ऐसी इंटरेस्टिंग बुक्स रिकमेंड करूँगा
ठीक है, उसके लिए आप वेट कीजिएगा क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आपको फिर मज़ा नहीं आएगा। मुझे ज़रूर बताना कि आप अगर एक बिब्लियोफाइल हो, अगर आप एक एविड रीडर हो, कमेंट्स में बताना एंड आपको क्या लगता है बुक्स के बारे में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा कैसा लगा वो भी ज़रूर बताना। एंड अगर ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप सब्सक्राइब करना अमैंस जर्नी को एंड बने रहना मेरी जर्नी पे मेरे साथ। चलिए आपसे मिलते हैं इसके सीधा पार्ट 2 में।